हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जैसे कि आप सभी को बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना है जिसके द्वारा किसानों को 6,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सालाना 6,000 रुपये की जो किस्त 6,000 रुपये की जो किस्तें हैं वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप भी इस प्रकार की किस्तों का लाभ ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चीज़ किस तरह से आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को देख रहे होंगे, इस एप्लीकेशन का नाम है किसान सम्मान निधि इन्फो। आप सिंपली इसको गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, किसान सम्मान निधि इन्फो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्च करोगे तो किसान सम्मान निधि इन्फो के नाम से एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी और आज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या इसका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस ऐप का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इस ऐप के माध्यम से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर आप पीएम किसान के साथ में जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो अपनी जो किस्त आने वाली है उस किस्त कब आने वाली है, किस्त में अपना जो स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके साथ में अपनी AKYC नहीं की तो AKYC कैसे करेंगे, उसके सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाती है। तो इस ऐप के ऊपर आने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली आपको बहुत सारी यहाँ पर टैब यहाँ पर जो कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं अपडेट मोबाइल नंबर, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना मोबाइल नंबर भी आप अपडेट कर सकते हैं, नाम भी अपडेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रधानमंत्री की अन्य महत्वपूर्ण योजना, जो प्रधानमंत्री की जो अन्य महत्वपूर्ण योजना है उसका टैब भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में आप जान सकोगे। तो इसके पहले यहाँ पर कुछ एड वगैरह सो होता है, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के साथ 15,000 रुपये प्राप्त करने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं वगैरह है उन सभी की लिस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और डे बाय डे ये जो योजना वगैरह है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होती रहती है। उसके साथ में बिग अपडेट्स के अंदर आपको मिल जाता है पीएम किसान एंड अन्य प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। रेगुलर बेसिस के डे बाय डे यहाँ पर आपको जानकारी प्रदान की जाती है। अगर कुछ भी अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको मिलता है या हमारे पास आता है तो हम आपके साथ में इस योजना के साथ इस ऐप के माध्यम से आपको ये शेयर कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, बिग अपडेट्स पर आप क्लिक करोगे तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपने यहाँ पर देखोगे तो पीएम 18 किस्त कब आएगी इसका, आपको अगर 18 किस्त अब आने वाली है सितंबर अक्टूबर माह के अंदर ये आ सकती है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। ओके, तो सिंपली फिर यहाँ पर ऐड आगे इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 18 किस्त कब आएगी इसके ऊपर देख जाने के बाद में पूरी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अगर आपकी 18 किस्त आपको 17 किस्त नहीं प्राप्त हुई है, किन कारणों से आपको 17 किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो उनके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो। जैसे आपने OTP बेस्ड AKYC पूर्ण कर सकते हैं, यहाँ से लाभार्थी सूची अपना नाम चेक करें, यानी कि सभी जो टैब यहाँ पर देखोगे इसमें क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको आसानी तक उस इन्फॉर्मेशन तक आसानी से पहुँच सकते हो। ओके, तो इसके साथ में अभी इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है। इसके साथ में आप देखोगे यहाँ से पीएम किसान योजना में वो मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं, ये काम करें अपने 18 किस्त प्राप्त करें। अब किसानों को मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति, क्योंकि बीच में कुछ एक दो महीने पहले आपको कुछ जानकारी आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो यहाँ पर बजट पास हो रहा था उस टाइम पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है प्रति 6,000 से जो बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की थी, लेकिन वो नहीं हुई है। ओनली 6,000 रुपये ही प्रति साल हमारे को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के जो लाभार्थी जो राजस्थान के किसान हैं उनको 8,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। 2,000 रुपये तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एंड 6,000 रुपये उनको मिलेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। ओके, इसके साथ में आप योजना की लिस्ट वगैरह सब चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी बिग अपडेट्स के अंदर यहाँ जो भी अपडेट्स वगैरह रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट आते रहते हैं, जो जानकारी आती रहती है, जो न्यूज़ आती रहती है, वो सभी आपको इस टैब के अंदर वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए हो गया, या 18 किस्त प्राप्त करने के लिए हो गया, 8,000 रुपये मिलेंगे इसके हो गया, 18 किस्त लिस्ट की जा रही है, जो 18 किस्त की जो लिस्ट के अंदर जो लाभार्थी सूची है उसकी जो है उसमें अपना नाम देख सकते हैं। इनकी सभी डिटेल वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश किसान में किसान कार्ड बने थे उसके बारे में जानकारी भी है कि वहाँ पर किसान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। एंड मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपये उन्होंने 1,000 रुपये की सेंड की थी उसकी जो जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। उसके साथ में हम देखेंगे मुख्य पेज, इस मुख्य पेज के ऊपर आप सिंपली पीएम किसान की सभी जो टैब्स है वो तो आप देख सकते हो, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन जो फीचर्स वगैरह उनको देख सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे देन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से इसको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली फिर क्लिक करेंगे मुख्य पेज के ऊपर, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली इस ऐड को हम यहाँ से फिर से ऑफ कर देंगे।
ओके आप यहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज पर क्लिक करोगे तो पीएम किसान की जो मेन जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई केवाईसी भी कर सकते हैं, अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं, जो इसके अन्य प्रकार की जो फीचर्स है जैसे ई केवाईसी, न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन, यानी सभी प्रकार की जानकारी है वो इस ऐप के अंदर भी है और इस नए इस पेज के ऊपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनके द्वारा आप अपनी किसी प्रकार की पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी मित्र पे जाए हुए, बिना किसी नज़दीकी मित्र के। आप सोचते हो कि हम मित्र पे जाके यहाँ पर कुछ कर लूँ, यहाँ मित्र पे जाने के बाद वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि फ्री के अंदर आप सिंपली इन चीज़ों को आप दे सकते हैं, अपने हाथ से अपने हैंड से सिंपली इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी पीएम किसान योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर आप अन्य टैब यहाँ पर देखो मिलेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करने का हो गया, ई केवाईसी का हो गया, नवीन किसान का हो गया, सब पंजीकृत किसान का हो गया, सब पंजीकृत किसान का यहाँ पर अपडेट करने का हो गया, अपनी स्थिति, अपनी जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है उसकी स्टेटस चेक करने का हो गया, लाभार्थी सूची होगी जो आपने जो भी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड, जैसे लिस्ट किसी ऐसे मान लो 18वीं क्या नाम है जारी होने वाली है तो पहले वो लिस्ट जारी हो जाती है कि किन किन लोगों के जो 18वीं किसका लाभ प्राप्त होगा, तो उस लिस्ट को आप अपनी उस सूची को आप उसको उस सूची में अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं। आधार के अनुसार अपना नाम अपडेट करवाने का हो गया, ऑनलाइन रिफंड हो गया, जैसे आप मान लो गलती से आपके पैसे ज़्यादा आ गए या आपने कुछ आपके कोई गवर्नमेंट नौकरी आपकी लग गई है तो सिंपली आप उन पैसों को आसानी से उनको रिफंड कर सकते हैं। सहायता के अंदर हेल्प डेस्क हो गया, जहाँ पर अपनी हेल्प जो भी क्यूरीज वगैरह होती है उनको आप सिंपली यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सामान्य क्वेश्चन आंसर हो गया, एंड केसीसी फॉर्म्स हो गया, एंड पीएम किसान के जो सरेंडर हो गया, या अपने पीएम किसान योजना की जो एप्लीकेशन है उसको सरेंडर करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर या तो आपने गवर्नमेंट की वैकेंसी की तरफ भाग ले लिया या गवर्नमेंट में जो आप जॉब लग गई है किसी अन्य कारण से, अगर आप पीएम किसान योजना की जो फॉर्म उसको आप सरेंडर करवाना चाहते हैं तो उसको आप सरेंडर करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अपडेट जो जो भी पीएम किसान योजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। समरी के अंदर हम चलेंगे तो सिंपली यहाँ पर जो भी इसके अंदर पोस्ट वगैरह के हैं डाउनलोड मतलब कि यहाँ पर ऐड की गई सभी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप सिंपली इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फेवरेट में जाओगे आप सिंपली इसको आप अपनी कोई भी पोस्ट को इसको फेवरेट कर सकते हैं, उसके साथ भी इसको ऑफलाइन भी इसको फट सकते हैं। ओके के साथ ऊपर यहाँ पर दिए गए किसान सम्मान निधि ऊपर एक कोने पे आप देख राइट कोने पे आपको देखिएगा एक लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह है, सिंपली डार्क मोड पर इसको ऑन कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज वगैरह पोस्ट नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके तो जाइए अभी और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीएम किसान की योजना के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सिंपली जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त हो जाएगी कि आज ये प्रॉब्लम आपको करना है, आज आपको ये करना है। अगर आप पीएम किसान योजना केवाईसी नहीं किए तो केवाईसी कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकते, आप इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आपसे छोटी सी मैं बताता हूँ, न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप जैसे क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप जैसे कुछ ऐड वगैरह यहाँ पर ऑन होगा, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ऐड वगैरह का ये हम इसे ऑफ हो गया, एन एस पे हम क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस फिर हम इसको यहाँ से ऑफ कर दिया ऐड को। ओके आप यहाँ पर देखोगे पीएम किसान जो भी योजना है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी आपको प्रदान की गई है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करिए पंजीकरण करें पे क्लिक करोगे तो जैसे आप पंजीकरण करके क्लिक करोगे सिंपली यहाँ पर रूरल फार्म रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्म रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप ग्रामीण से हो या शहरी क्षेत्र से हो तो अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल के सिंपली यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके साथ में आपको कुछ अपनी भूमि की जानकारी वगैरह जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाने होंगे, तो आप सिंपली ये जो प्रोसेस है इसको आप मित्र के द्वारा करवा सकते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं अपना फॉर्म भर दिया लेकिन उसका स्टेटस चेक करो तो सिंपली वहाँ पर स्टेटस वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो मिल जाएगा स्टेटस चेक करें, किस्तों का स्टेटस चेक करें, ई केवाईसी करें, यानी कि आप घर बैठे इन चीज़ों को आप आसान से कर सकते हैं। ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके लिए काफ़ी सहायक होगा पीएम किसान योजना के बारे में। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में प्राप्त हो जाएगी। ओके तो जाइए अभी और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, एंड इसका जो लिंक है वीडियो उसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सिंपली आप जाओगे यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना इन्फो, तो यहाँ पर लवली एप्स के नाम से जो होता है ये दिखेगा, आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो इस प्रकार जो ओपन जो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। ओके ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।